बच्चों पहले हम लोग पढ़े थे कविता वह मातृभूमि मेरी, जिसके बारे में हम पढ़े भी थे और उसको समझाए भी थे। आज फिर दोबारा हम उसके सारांश को समझा देते हैं और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन आंसर भी देंगे, जिसे आप लोगों को अपने घर से बनाकर लाना। यह कविता हमारे देश के ऊपर लिखी गई है, जो हमारे देश की प्राचीन महत्ता से लेकर पुराने समय के महत्ता और महानता के बारे में दी गई है कि हमारा ऐसा देश है जो सारे संसार से बिल्कुल अलग है, हटकर है। यहाँ वो सारी चीज़ें हमको दिखाई देती हैं जो अन्य देशों में, अलग अलग देशों में अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। जबकि हमारे यहाँ देश देखी है, लेकिन यहाँ का वातावरण, यहाँ का पहनावा, यहाँ के धर्म, हर चीज़ अलग अलग है, संस्कृति अलग है, कला अलग है, बातचीत करने की जो भाषा है वो अलग है, फिर भी हमारे अंदर एकता पाई जाती है। कहता है कि हमारा देश इतना महान है, इतना बड़ा है, हर चीज़ में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है इसको, भारत देश को। क्यों माना गया है उसके बारे में बताता है कि हमारा जो देश है उसका जो शिखर है, हाँ, उसका जो सर है, सर का हिस्सा ऐसा है कि वहाँ एक इतना ऊंचा पहाड़ है जिसे हम लोग हिमालय पहाड़ के नाम से जानते हैं, वह आसमान से बातें करता है। हमारे देश के सर के पास एक ऐसा पहाड़ है जिसकी चोटियाँ आसमान से बातें करती हैं, और हमारे देश का जो सबसे नीचे का हिस्सा है यानी पैर का हिस्सा है, उसके नीचे से सागरें बहती हैं, समुद्र बहती हैं, और जो उसके चरणों को धोने का काम करती हैं। हमारा ऐसा देश है, इस देश के अंदर इतनी पवित्र और पावन नदियां बहती हैं कि जिन नदियों के पानी में हम अपने पितरों का पिंडदान करते हैं और अपने पूर्वजों के मोक्ष की प्राप्ति की कामना करके उसमें उनके पिंड को, माने पिंडदान करते हैं और उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह ऐसा मनोरम दृश्य वाला देश है कि कहीं पे घने घने जंगल पाए जाते हैं जिनका कहीं दूर दूर तक रोशनी जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता उसके अंदर, और कहीं इतने विशाल अमराइयाँ पाई जाती हैं, आम के बगीचे पाए जाते हैं कि आमों के मौसम आने के बाद उसमें कोयले कूकती हैं, हवाएं धीमी धीमी चलती हैं, और उन हवाओं के अंदर जो ठंडक, जो ताजगी पाई जाती है, वह ऐसी ताजगी हमें दूसरे कहीं जगहों पर देखने को प्राप्त नहीं होती है। कहता है कि यह ऐसी भूमि है कि जो हमारी जन्मभूमि भी है, यह हमारी मातृभूमि भी है। पुराने समय में इसे स्वर्ण का देश भी कहा जाता था, सोने का देश भी माना जाता था। कहता है यह ऐसा पवित्र और पावन देश है कि जहाँ पे इंसान तो इंसान है, देवता तक भी आकर वहाँ अपना जन्म लेना पसंद करते थे। यही वह पावन भूमि है कि जहाँ पे सीता जैसी देवी पैदा हुई, राम जैसे देवता पैदा हुए, महापुरुष जिनको पुरुषोत्तम राम के नाम से हम लोग जानते हैं, शांति के दूत गौतम बुद्ध पैदा हुए जिन्होंने अपने संदेशों से सारी दुनिया को आलोकित किया, प्रकाशमान किया। यहाँ पे गीता का संदेश देने वाले कृष्ण भी आए जिन्होंने अपने गीता का ज्ञान देकर संसार के अंदर रहने वाले मनुष्य के पूरे जीवनचर्या के बारे में बताया, और जन्म से लेकर आखिर तक कि जो भी मनुष्य के पैदा होने के उद्देश्य हैं उन सारी चीज़ों को बताया, अपने कर्तव्य को बोध कराया। यहाँ पैदा होने के लिए देवता भी तरसते रहे हैं, और जिसने यहाँ अपनी पैदाइश ली या पैदा हुए वो अपने आप को भाग्यवान समझते थे। यहाँ गौतम बुद्ध जैसे लोग भी पैदा हुए जिन्होंने सत्य अहिंसा का धर्म चलाया, जिसे हम लोग बौद्ध धर्म के नाम से जानते हैं, जिन्होंने सारी दुनिया को संदेश दिया कि हमें शांति के साथ रहना चाहिए, जीवों के ऊपर दया करनी चाहिए, और हमें
जैसा हम जीव हैं, जैसे हमारे अंदर जान है, वैसे ही दूसरी चीज़ों को भी समझना चाहिए। किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, जहां तक हो सके हमें दूसरे को फायदा पहुंचाना चाहिए। इन सारी बातों को हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था, फिर एक बार मैं आपके सामने उसका सारांश व्यक्त कर दिया। अब मैं चाहूँगा कि मैं कुछ प्रश्न दूँ आप लोगों को और उन प्रश्नों का जवाब आप लोग अपने घर से लिखकर ले आए। तो सबसे पहले है प्रश्न, देखिए पहला प्रश्न है, कवि का मातृभूमि आशय है, यानी उद्देश्य है, क्या कहना चाहते हैं। दूसरा है, भारत के शिखर पर, यानी सबसे सिर की तरफ शिखर पर कौन सा पर्वत खड़ा है। तीसरा प्रश्न है, भारत में जन्म लेने वाले किन महापुरुष किन महापुरुषों का वर्णन कविता में आया है। कविता में भारत का किन किन नामों से तुलना की गई है। ठीक है, चार प्रश्न है, बस इतना ही रहने दीजिए, फिर अगले दिन चैप्टर 2 हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ आप समझ गए, क्वेश्चन लिख दिया गया है, इसका आंसर आप लोग को लिखना है, कल हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे।